हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि नैनीताल बैंक लिमिटेड की तरफ से कुछ वैकेंसीज यहाँ पर निकल कर आई हैं, जो कि दोस्तों यहाँ पर ट्रेनी की मैनेजमेंट ट्रेनी की वैकेंसी निकाली गई है और क्लर्क की यहाँ पर वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको नैनीताल की वेबसाइट के ऊपर जाना पड़ेगा और ऑनलाइन जो है इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। नीचे यहाँ पर डिटेल आप देख सकते हैं, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मैनेजमेंट ट्रेनी की जो पोस्टें हैं वो टोटल 60 निकाली हैं और यहाँ पर एज रखी गई है मिनिमम 21 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए और मैक्सिमम 32 ईयर्स अगर आपकी एज है आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्ट के लिए सिलेक्ट होते हैं तो आपकी सैलरी जो है वो 36,000 रुपये जो है पर मंथ आपको दिया जाएगा, प्लस आपको अलाउंसेस वगैरह भी मिलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल हो गया, यहाँ पर क्लर्क की अगर हम बात करें नेक्स्ट वैकेंसी, तो ये 50 निकाली है, 50 टोटल यहाँ पर वैकेंसीज निकाली हैं क्लर्क की, जिसके लिए एज जो है मिनिमम 21 ईयर्स रखी गई है, मैक्सिमम 32 साल एज यहाँ पर रखी गई है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल होकर दोस्तों यहाँ पर आप पोस्ट की डिटेल भी देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर क्वालिफिकेशन वगैरह क्या रखी है। जैसे मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट के लिए आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन विद मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर कहा है कि प्रेफरेंस उसको दिया जाएगा जिसका 1-2 साल का एक्सपीरियंस होगा बैंकिंग वगैरह में, ठीक है, तो उनको प्रेफरेंस मिलेगा। इसी तरीके से क्लर्क की पोस्ट के लिए अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास है और 1-2 साल का एक्सपीरियंस अगर आपने बैंकिंग वगैरह में काम किया है तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस मिलेगा इस पोस्ट के लिए। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल होकर यहाँ पर आप देख सकते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट के लिए लमसम पेमेंट जो है 40,000 रुपीज पर मंथ दिए जाएंगे। इस तरीके से क्लर्क की पोस्ट के लिए भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी पे स्केल जो है वो क्या रहने वाली है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल होकर अब यहाँ पर फीस की अगर हम बात करें, इससे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पोस्ट यहाँ पर नैनीताल बैंक की ओर से निकली हैं, इसके लिए फॉर्म लगना 5 अगस्त से स्टार्ट हुए हैं और 27 अगस्त 2023 तक आप यहाँ पर ऑनलाइन मोड से फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हैं। 27-8-2023 तक आप यहाँ पर फॉर्म जो है वो अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, अब हम फीस की बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्ट के लिए अगर आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं 1500 रुपये यहाँ पर फीस आपको लगेगा और क्लर्क की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो 1000 रुपये इन्होंने यहाँ पर फीस रखी है, जो कि आपको ऑनलाइन मोड से ही पे करनी है। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि अगर आप इसके लिए एप्लीकेशन अगर रजिस्ट्रेशन कराते हैं, यानी ऑनलाइन फॉर्म अगर आप सबमिट करना चाहते हैं, तो आपको बैंक की वेबसाइट के ऊपर जाना पड़ेगा, जो कि है www.nainitalbank.go.in। तो जब आप यहाँ पर जाएंगे, इस वाली साइट पर जाएंगे, अप्लाई ऑनलाइन का एक ऑप्शन आएगा दोस्तों, वहाँ पर जाकर आप अप्लाई कर पाएंगे। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो आपको फीस पे करनी है, इसके लिए यहाँ पर ऑनलाइन मोड्स दिए गए हैं कि किस तरीके से आप पे कर सकते हैं। जैसे कि डेबिट कार्ड से आप पे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से, IMPS से, कैश कार्ड से, मोबाइल वैलेट से, तो इस तरीके से ये कुछ मोड्स दिए गए हैं कि इस तरीके से आपको अपनी फीस जो है इन पोस्टों के लिए वो पे कर सकते हैं। ठीक है, जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म दोस्तों सबमिट करोगे तो वहाँ पर आपको सेंटर्स भी आएंगे कि कहाँ कहाँ पर आप सेंटर जो है वो रखना चाहते हैं, कहाँ पर आपको आसानी होगी कि आपको एग्ज़ाम जब आपके लिया जाएगा उसके लिए ये ईमेल के थ्रू या SMS आपको भेजेंगे, ठीक है, कि आप अपने एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सेंटर चूज़ कर लीजिए, अपने नियरेस्ट हो सके तो अपने नियरेस्ट में जो भी सेंटर होगा वहाँ पर आप चूज़ कर लीजिए। तो ये प्रेफरेंस भी आपको ऑनलाइन मोड से ही देने हैं कि कहाँ कहाँ पर आप चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम लिया जाए। ठीक है, सो मैं होप करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।